अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर अपना शेयर कर रही हूँ कि मेरे बैग में क्या है, व्हाट्स इन माय बैग। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मेरे बैग में क्या होता है जो मैं मोस्टली अपने साथ कैरी करती हूँ। वो बैग है जो मैं मोस्टली अपने साथ कैरी करती हूँ, कहीं आना जाना होता है तो मैं इस बैग को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसमें क्या क्या है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बैग में क्या क्या कुछ है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर है एक अदद ये डायरी, ये मैं मोस्टली अपने साथ कैरी करती हूँ। इसमें मेरे सारे जो अकाउंट्स हैं, मेरे सोशल ऐप्स के जो अकाउंट्स हैं, सारा कुछ इसके अंदर होता है। वो इसके अंदर राइट करती हूँ, कुछ अपनी कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, पासवर्ड्स वगैरह, वो इसके अंदर राइट करती हूँ। तो ये मेरे साथ मस्ट होती है। और उसके अलावा ये है गॉगल्स, ये मैं मोस्टली कैरी करती हूँ अपने साथ। ठीक हो गया। और उसके बाद ये एक स्टिकी नोट्स है, ये बस मैंने एम ही रखे हुए हैं बैग में, बस एम ही लिए थे और एम ही रखे हुए हैं बस। और मुझे अच्छी लगती है इस तरह की चीज़, तो ये भी अपने बैग में रखती हूँ। और मास्क, ये तो आजकल हमारी, इसके बिना तो नो एंट्री, इसके बिना तो भाई आजकल गुजारा ही नहीं है, मास्क के बिना तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। के बाद सैनिटाइज़र तो कोई भूल ही नहीं सकता, ऐसा कोई बैग नहीं होगा जिसमें अब कोई सैनिटाइज़र ना रखता हो। सैनिटाइज़र के बिना तो मेरे ख्याल में मेरे बैग में होंगे भी दो सैनिटाइज़र्स हैं। ये है मेरे बैग में, और ये है बॉल पॉइंट, ये वाली बॉल पॉइंट, ये मुझे बाइट से गिफ्ट आया था, ये वो बॉल पॉइंट है। और उसके बाद ये है परफ्यूम्स, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से परफ्यूम्स हैं, ये एक ही है और भी होंगी, मैं इसमें दो तीन रखी हुई हूँ और छोटी छोटी सी हैं सारी, क्योंकि ये आपका बैग के में जगह भी ज़्यादा नहीं रहती। आजकल गर्मी जैसी है तो परफ्यूम की तो ज़रूरत पड़ती जाती है, स्वेटिंग इतनी होती है। सो ये परफ्यूम्स, इसके अंदर भी परफ्यूम, ये परफ्यूम्स कैरी करती हूँ मैं, ये तीन तरह के हैं। उसके बाद क्या है मेरे बैग में, ये कुछ टिप्स हैं, ये यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ तो वहाँ ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये मेरा वो बैग है जो मैं अपना यूनिवर्सिटी में भी कैरी करती हूँ, कहीं आना जाना और ट्रैवल करना तब भी यूज़ करती हूँ, तो इसमें ये चीज़ें तो भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये भी मुझे यूनिवर्सिटी में ज़रूरत पड़ती रहती है इसकी। तो ये उसके बाद क्या है, एक ये है, इसके अंदर छोटा सा बॉक्स टाइप है ये, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मेरी ये हिजाब पिंस जो होती हैं इस तरह की, ये एल्फी कुछ चीज़ रहती है, अक्सर यूनिवर्सिटी में मेरे जूते टूट जाते हैं तो मैं फिर ये मेरी ज़रूरत है। मैं बहुत भंड मारती हूँ यूनिवर्सिटी में, तो वो फिर आपको इस तरह की चीज़ पास होनी चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके बाद ये कुछ हेयर पिंस हैं, ये हेयर पिंस और कुछ ये इस तरह की पिंस हैं, हिजाब पिंस को बोलती है इस टाइप के, ये ऐसी कुछ पिंस हैं इसके अंदर रखी हुई हैं, मैंने सेपरेट ज़रूरत पड़ जाती है कहीं पर भी जाना होता है, तो ये इस तरह का ये बॉक्स इस तरह का बना हुआ है। अच्छा, और इसके अंदर क्या है, ये है नेल रिमूवर, ये नेल रिमूवर है, ये ऐसे बस लोअर रिमूव कर लो नेल्स, तो ये मेरे बैग में ये होता है। और ये तो मस्ट है, ये क्यूट सा एक मिरर है, ये ऐसे है, यूनिवर्सिटी जाना हो, कहीं ट्रैवल करना हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। ये बैग है,
बैग बोल रही हूँ, और एक छोटा सा एक ये है मिरर। और इसके बाद इसके अंदर है अच्छे कि क्यूट सा मेबेलिन का कॉम्पैक्ट, ये आप कहीं पे भी इजीली आप कैरी कर सकते हैं इसको। ये देखिए आप बहुत इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं ऐसे। और मैं मोस्टली जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो जैसे समर सीजन चल रहा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फटाफट आप अगर फेस वॉश करना है यूनिवर्सिटी में तो इसलिए वो फिर वहाँ पे भी आप ये इसको इजीली आप कैरी कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो, अपना फेस फ्रेश हो जाता है आपका ही करके ना, कैरी करना भी बैग में ईजी, और जगह भी नहीं जा लेता। ये बहुत क्यूट सा है, ये मुझे अच्छा लगा था सो मैंने ये ले लिया। उसके बाद है ये छोटा सा क्यूट सा ब्लश ऑन, ये देखिए ये ब्लश ऑन है। मैंने वो चीज़ें बैग में रखी हुई जो ज़्यादा बैग में ना मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं लेती, और ये बैग में होनी भी ज़रूरी है फेस को फ्रेश करने के लिए, यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो इसलिए। एक ही छोटा सा ब्लशन है, इसका शेड ये बहुत प्यारा है, ये बहुत मज़े का है, और ज़्यादा मतलब कि वो भी नहीं है, डार्क भी नहीं है, बहुत लाइट सा है, पीच का पीच शेड है इसका, पीच टाइप ऐसे ठीक है। उसके बाद ये बीबी क्रीम है, ये भी मैं अक्सर अपने कैरी करती हूँ, और ये वो मेरी बैग की वो चीज़ें जो मैं कहीं पे भी जाना हो, ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी मैंने ट्रैवल करना हो तो ये वो चीज़ें जो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, एंड आप इससे अपना पूरा मेकअप अप कर सकते हो, कहीं पे भी आप जाओ और फटाफट इसको लगाओ एंड वेल डन। उसके बाद ये है एक अदद स्पंज रखा हुआ इसके अंदर मैंने, ठीक है। उसके बाद एक अदद ये है, ये बस शो मारने के लिए, आई सेट की नहीं है, सिर्फ हमें शो मारने के लिए ज़रा। थोड़ा सा बबलू बच्चा बनने के लिए, यही बस थोड़ी सी शो शाम मारने के लिए रखी हुई है, और कोई बात नहीं, कोई ये वो आई सेट की नहीं है बस एमी। तो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है इस तरह के, तो ये मैंने वैसे रखी हुई है बैग में, यूनिवर्सिटी में अक्सर लगा लेती होती हूँ मैं शो मारने के लिए। अच्छा उसके बाद है एक अदद ये ब्रश है, ब्लशिंग ब्रश, ब्लशिंग लगाने के लिए ब्रश रखती हूँ बैग में मैं एक। उसके बाद ये एक मस्कारा है, मस्कारे के बिना मेरा जो मानना है ना, मैं कहती हूँ मस्कारे के बिना आपका मेकअप ही नहीं है, आप इनकम्प्लीट हो विदाउट मस्कारा। सो मैं ये मस्कारे के बिना मेरा मेकअप तो इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं मस्कारा मस्ट मस्ट रखती हूँ अपने साथ और मस्ट यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये एक अदद बॉल पॉइंट है, और ये एक अदद इसके अंदर सीजर है, ज़रूरत पड़ जाती है इसकी भी अक्सर, तो ये वो सीज़र है। और ये एक वॉच है, और ये स्टेपलर है। अब थोड़ा बहुत मेरा यूनिवर्सिटी का सामान शुरू हुआ है, आप लोग भी कह रहे हो कि आप मेकअप निकालने जा रही है। ये कुछ यूनिवर्सिटी की चीज़ें यूनिवर्सिटी में जो काम आती हैं अक्सर आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह के लिए, और वहाँ पे नहीं कभी आपको मिलती चीज़ें, तो इस तरह की ये मैं अपने बैग में हमेशा कैरी करती हूँ, ताकि आपको मतलब आपके बैग में होनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। कि एक अदर नेल कटर ये पत्नी मैंने क्यों रखा है, मुझे समझ आ रही है वैसे ये क्यों बैग में मेरे होगा किसी वजह से। और एक ही नेल कटर है, और बाकी इसके अंदर, और ये एक अदर थी हमारे पास बबल्स हैं इसके अंदर, ये मस्ट रखती हूँ अपने साथ ट्रैवल करते हुए भी, और कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में भी, तो ये तो मस्ट रखती है मेरे साथ, ये बबल्स हैं। छुट्टे नोट्स पड़े हुए हैं, पहले पैसे कहीं पड़े हुए बैग में छुट्टे हुए, इसको भी साइड पे कर लेते हैं। और इसके अंदर क्या है मेरे बैग के अंदर, इसमें क्या है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या, पावर बैंक। ये पावर बैंक को रिलेटेड है, केवल अपना फ़ोन चार्ज करना होता है, यूनिवर्सिटी में भी ज़रूरत पड़ जाती है फ़ौरन, जब आपके पास मतलब आपने वहाँ काम करना है और फ़ोन की बैटरी बिल्कुल मतलब लो है, तो फिर ये यही काम आता है फिर वहाँ पर। सो ये मैं अपने साथ कैरी करती हूँ, ये सो ये चीज़ें भी जो मेरे बैग में होती हैं मोस्टली मैं कैरी करती हूँ, और इस बैग को मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं ट्रैवल करना होता भी यूज़ करती हूँ। सो ये वो बैग है मेरा जो मैं हर जगह मतलब अपना यूज़ करती हूँ, इसमें ये इसमें काफ़ी कुछ आ जाता है ईजिली, आप इसमें ना देखिए आप इसमें हर चीज़ अपनी कैरी कर सकते हैं ईजिली, काफ़ी ना मतलब अच्छा खासा ये बैग आपके काफ़ी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। और मैंने ज़्यादा बड़ी चीज़ें भी नहीं रखी हैं, बहुत छोटे 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 मेकअप की भी छोटी छोटी जो आपको मतलब ज़रूरत पड़ती है, इसमें वो चीज़ें थी। आई होप गाइस यू लाइक माई वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और तो
फॉर्म याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।